दोस्तों नमस्कार। सीबीआई काफ़ी चर्चा में है आजकल। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जांच एजेंसी। लेकिन जो मज़ेदार बात है वो ये कि सीबीआई एक मायने में देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी भी है और एक मायने में सबसे बदनाम एजेंसी भी है। कोई भी सरकार रही हो आज तक, सीबीआई को किस तरह से अलग अलग पार्टियों ने, कांग्रेस के कार्यकाल में भी राजनीतिक हित के लिए एक मशीन की तरह यूज़ किया गया, ये तो जग जा ही रही है, हम सब जानते हैं। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट तक ने केज्ड पैरट कहा, सरकार का केज्ड पैरट यानी कि पिंजरे में बंद तोता। लेकिन इसके बावजूद ये था कि जब भी कोई घटना घट जाए, जब भी कोई सही में आम लोगों को लगे कि किसी तरह से न्याय की थोड़ी बहुत गुंजाइश है, तो लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आपको ध्यान में होगा, मध्य प्रदेश में जब व्यापम वाला हुआ तो सबने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभी जब ये मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाला मामला आया तो कहा सबने कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एसएससी में धांधली के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो एक मायने में प्रतिष्ठित जाँच एजेंसी रही है और एक मायने में सबसे बदनाम भी रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो भारत के इतिहास में बहुत कम संस्थानों के साथ ऐसा हुआ है और सीबीआई के साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आप समझें और इस पर अपनी राय बनाएं और इसको किस रूप में इसको आगे ले जाना है, कैसे इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, कैसे इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, वो समझें। देखिए, जो टीवी पर आपको जो दिखाया जा रहा होगा वो है कि सीबीआई के दो अधिकारियों के बीच में लड़ाई हो गई है। मतलब सीबीआई के नंबर वन और सीबीआई के नंबर टू के बीच आपसी झगड़ा हो गया है। ईगो क्लैश है, पर्सनैलिटी की लड़ाई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, ये मामला है। दरअसल ये दिखाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, मामला इतना भर नहीं है। जो मामला है उसको अगर समझना हो तो हमको 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2 साल पीछे मतलब कि दिसंबर 2016। ध्यान से समझिए और इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करने की कोशिश करिए। 2 दिसंबर 2016 को अनिल सिन्हा थे सीबीआई के डायरेक्टर, जो रिटायर होने वाले थे। उसके बाद सीबीआई को नया डायरेक्टर मिलना था। उनके रिटायरमेंट से ठीक 2 दिन पहले जो सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, जो सीबीआई चीफ बन सकते थे, उनको शंट कर दिया गया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी और विभाग में। और एकाएक गुजरात कैडर के एक ऑफिसर राकेश अस्थाना सेकंड सीनियर मोस्ट बन जाते हैं सीबीआई के अंदर। और फिर ऐसा सिचुएशन बना दिया जाता है जिसमें अनिल सिन्हा के जाने के बाद राकेश अस्थाना बचते हैं, जो सीबीआई में सबसे सीनियर हो जाते हैं उस समय, और उनको सीबीआई का इंटरिम डायरेक्टर बना दिया जाता है। अब सीबीआई कई तरह के, देश भर में भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, कई तरह के मामलों की जांच कर रही है। उनमें से कुछ मामले हैं जिनमें सीबीआई राकेश अस्थाना की भी जांच कर रही थी। वो राकेश अस्थाना जिसको सीबीआई का इंटरिम डायरेक्टर बना दिया गया, आप समझ रहे हैं ना। जैसे एक मामला है संदेशरा ग्रुप का, की एक कंपनी है स्टर्लिंग बायोटेक, जिसके ऊपर 5,000 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला चल रहा है। आजकल संदेशरा ग्रुप के जो प्रोमोटर हैं वो भी विदेश भाग गए हैं। उनका एक मामला चल रहा था, उसमें भी राकेश अस्थाना पे जांच की सुई अटकी हुई थी, सीबीआई ये जांच कर रही थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सीबीआई मेरे ऊपर जांच कर रही है और मुझे ही सीबीआई का अधिकारी बना दिया जाए। तो इसको प्रशांत भूषण ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि राकेश अस्थाना को सीबीआई का इंटरिम डायरेक्टर नहीं बनाया जाना चाहिए। और इसके बाद जो 3-मेंबर कमिटी है, जिसकी जिम्मेदारी है कि सीबीआई के डायरेक्टर को चुनने की जिम्मेदारी, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये 3 लोग हैं, इन तीनों ने मिलकर इसके बाद जब इंटरिम डायरेक्टर अस्थाना को चैलेंज किया गया, तब जाकर आलोक वर्मा को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया। कब बनाया? जनवरी 2017 में। अब जो कानून है उसके हिसाब से सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर 2 साल का होता है। ये इतना फिक्स टेन्योर है कि मतलब कि अगर 2 साल से पहले सुपर एन्यूएशन हो जाए, अगर 2 साल के पहले रिटायर होने वाले हों चीफ, तो भी वो 2 साल तक कंटिन्यू करेंगे। तो 2 साल का फिक्स टेन्योर है सीबीआई डायरेक्टर का। सीबीआई डायरेक्टर को बनाया जाता है ये 3 लोगों की कमेटी के द्वारा, और उनको हटाने का अधिकार भी इन 3 लोगों की कमेटी को है। तो आलोक वर्मा बन गए सीबीआई के डायरेक्टर। अब खटास तो वहीं से शुरू हो गई थी अस्थाना और आलोक वर्मा में। अस्थाना को फिर बनाया गया स्पेशल डायरेक्टर और आलोक वर्मा हो गए सीबीआई के चीफ। दोनों के बीच तरह तरह की बातें, लेकिन अस्थाना के सीबीआई में आने की जो बात थी वो मामला लगभग शांत हो रहा था। आप खुद समझिए, एक बार मामला लगभग शांत हो रहा था,
अस्थाना साहब को ऐसा कुछ पड़ा हुआ था नहीं कि उनको मतलब इसमें फिर कूदने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन एकाएक अस्थाना साहब एक डिटेल्ड कंप्लेंट सीवीसी को भेजते हैं अपने ही बॉस के खिलाफ, अपने ही बॉस के खिलाफ एक डिटेल्ड कंप्लेंट भेज रहे हैं, और तब भेज रहे हैं जब उनके अपने सीबीआई में नियुक्ति के मामले को लेकर, अस्थाना जी की नियुक्ति के मामले को लेकर लगभग मामला सेटल हो रहा था, उनको इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत शायद नहीं थी, लेकिन उन्होंने भेजा सीवीसी को कंप्लेंट भेजा आलोक वर्मा के खिलाफ। अब कॉन्टेक्स्ट देखिए ये कब भेजा गया, 4 अक्टूबर को, अभी जो 4 अक्टूबर बीता है, 4 अक्टूबर को प्रशांत भूषण और अरुण शौरी सीबीआई डायरेक्टर से मिलते हैं, आलोक वर्मा से मिलते हैं, और जो राफेल डील में जो घपला हुआ है, जो हम लगातार कह रहे हैं पिछले 1.5 साल से, ये तो कांग्रेस और बाकी की पार्टियां अभी 3 महीने से इस पर शोर कर रही हैं। हमने बताया है कि किस तरह से राफेल डील में कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ियाँ की गई हैं, और जिसके सीधे तौर पर ज़िम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं है, उनका व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का मामला है ये, उसको लेकर प्रशांत भूषण और अरुण शौरी ने सीबीआई में शिकायत की। आलोक वर्मा उनसे मिले, मिलकर उन्होंने कंप्लेंट की कॉपी को एक्सेप्ट किया और बोला कि इसमें जो उचित कार्रवाई है वो हम इस पर देखेंगे। अब सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नागवार गुजरा कि सीबीआई चीफ क्यों प्रशांत भूषण अरुण शौरी से मिलकर उनकी शिकायत ले रहे हैं, उनकी कंप्लेंट की जो कॉपी है वो रिसीव कर रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं, कुछ सोर्सेज से जानकारी ये मिली कि सीबीआई चीफ रक्षा मंत्रालय से कुछ कागजात मंगवा रहे थे या देखना चाह रहे थे राफेल से संबंधित। जब ये पता चला नरेंद्र मोदी जी को कि सीबीआई डायरेक्टर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तब जाकर ये सारा जो आप पिछले 3-4 दिनों से जो देख रहे हैं ना, जो पिछले 3-4 दिनों से, मतलब ये तो बिल्कुल कोई फिल्मी सी स्टोरी चल रही है जो आप टीवी पे देख रहे हैं, एक पॉलिटिकल थ्रिलर कैसा हो सकता है ना, इस पे ज़रूर कोई ना कोई कभी फिल्म बन जाएगी। जब ये अंदेशा हुआ प्रधानमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के नज़दीकी सलाहकारों को कि ये तो सीबीआई डायरेक्टर तो खुंदक में ही सही, मुझे पता नहीं खुंदक में या ईमानदारी से या अस्थाना जो उनको दिक्कत कर रहे थे सीबीआई में काम करने को लेकर, उस कारण से जिस कारण से भी हो, लेकिन राफेल पर विचार करने लग गए हैं सीबीआई के डायरेक्टर, तब जाकर ये सारा प्लॉट रचा गया। और उसी के बाद अस्थाना ने एक डिटेल्ड शिकायत सीवीसी में की आलोक वर्मा के खिलाफ। जैसे ही डिटेल्ड कंप्लेंट हुआ, उसके बाद आलोक वर्मा ने तुरंत एक FIR कर दिया, क्योंकि इनको तो भैया पता है कि तुम तो साथ ही काम करते हो, सब पता है कि तुमने कहाँ किससे क्या क्या लिया है, किस मामले में किससे कितने पैसे लिए। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है इस पूरे मामले में, देखिए जो मैंने शुरू में कहा कि सीबीआई कितनी भी बदनाम रही हो, कितने भी पिंजरे का तोता बोला गया हो, लेकिन देश के आम नागरिक को एक हद तक थोड़ा बहुत विश्वास भरोसा सीबीआई के ऊपर था। पिछले एक सप्ताह में ये स्पष्ट होकर आ गया है कि सीबीआई एक एक्सटॉर्शन एजेंसी की तरह काम कर रही थी। सीबीआई के उच्च अधिकारी आपस में एक दूसरे को पर उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए, उसे तो यही समझ में आया है कि तो एक्सटॉर्शन एजेंसी की तरह ये काम कर रहे थे। तो जब अस्थाना ने शिकायत करी सीवीसी को, तो उसके बाद जो सीबीआई के चीफ हैं आलोक वर्मा, उन्होंने FIR में एक्यूज नंबर 1 के तौर पे अस्थाना का नाम लिखवा दिया और अस्थाना के ऊपर FIR कर दिया। जब अस्थाना के ऊपर FIR हुआ और जब अस्थाना जी की टीम से जो एक डिप्टी SP थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, तो उसके बाद अस्थाना जी हाईकोर्ट गए अपनी गिरफ्तारी रुकवाने के लिए। और जब वो हाईकोर्ट गए और जब प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये जो पूरा जो चल रहा है गुत्थम गुत्था चल रहा है, इस गुत्थम गुत्था में कहीं ये ना हो कि गुस्से में सीबीआई चीफ राफेल की जांच तुरंत करवा दे, पता नहीं रात में एकाएक उनको क्या होश आया, क्योंकि वो ज़्यादातर दिन में तो काम बहुत करते हैं ना प्रधानमंत्री जी, दिन भर तो आप पूरा देश जानता है कि कितना काम करते हैं, कितना भाषण देते हैं, कितना मेहनत करते हैं। तो रात में ही, रात के 1 बजे सबसे पहले सीबीआई हेडक्वार्टर्स को कॉर्डन ऑफ किया गया, पुलिस को भेजकर, दिल्ली पुलिस को भेजकर। उसके बाद जो सीबीआई चीफ हैं आलोक वर्मा, उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। और उसके बाद जो नागेश्वर राव हैं, एक और अधिकारी हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, वो भी एक करप्ट ऑफिसर हैं, उनको सीबीआई का इंटरिम डायरेक्टर बना दिया गया। और जैसे ही उनको इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया, उनको बुलवाया गया, उनको फिर स्कॉट करके रात को ही सीबीआई हेडक्वार्टर्स ले जाया गया। सीबीआई हेडक्वार्टर्स में जो ऑफिसर्स थे इनके, आलोक वर्मा के और इन सब के, उसको सील किए गए। ये सब खबर आई सुबह में कि ये रात भर क्या तमाशा चला है।
और जो नए इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया जिनको, उन्होंने तुरंत पूरी की पूरी टीम को रिशफल कर दिया। एक तरह से रातों रात तख्ता पलट हो गया सीबीआई में, जिसको कू कहते हैं वो हो गया, और कई अधिकारियों को, और विशेष तौर पे जो जिस अधिकारी को आलोक वर्मा ने जिम्मेदारी दे रखी थी कि वो अस्थाना की जाँच करे, उनको पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया। ये बताते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में भेजा गया। तो ये सब चल रहा है। तो सामने से तो ये दिख रहा है कि लड़ाई अधिकारियों के बीच में हो रहा है, सामने से तो ये दिख रहा है कि नंबर वन नंबर टू लड़ रहे हैं, लेकिन इसके खेल के पीछे अगर एक आदमी है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उस तोते में बंद पिंजरे को, वो तो कल तक तो वो केज पैरट था, लेकिन आज उस तोते को मार दिया गया है, पिंजरे को तोड़ दिया गया है, और अब शायद सीबीआई के नाम पर, मुझे लगता है पहले तो तोता था, अब किसी पागल कुत्ते की तरह सीबीआई को यूज़ किया जाएगा, अब तो वो होने में भी देरी नहीं। और जिस तरह से आम लोगों का विश्वास सीबीआई के ऊपर से और देश के संस्थानों के ऊपर से उठ रहा है इस तरह का कीचड़ देखकर, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भी हमारी उम्मीद है कि, और एक आखिरी उम्मीद है, वो है देश की न्यायपालिका। और दोस्तों, देश किसी व्यक्ति से नहीं चलता है, देश चलता है संस्थानों से। और भारत जैसे विविध लोकतांत्रिक देश की सफलता ही इस कारण से रही है कि भारत के संस्थानों ने अपना काम किया है। ऐसे में जब देश की संस्थानों पर इस तरह हमले हो रहे हों, उसके बाद भी अगर आपको गुस्सा ना आए तो मुझे चिंता होती है। ये सब देखकर भी अगर आपको चिंता नहीं हो रही है तो फिर आपकी देशभक्ति नकली है। इतना कुछ देखकर भी अगर आक्रोश नहीं आ रहा है तो फिर आपका राष्ट्रवाद जो है वो फर्जी है राष्ट्रवाद वो फिर तो। और ये सब देखने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, तो फिर तो मैं और क्या ही बोलूँ। आज देश को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो वो देश की सरकार से ही है। हम तो इस खतरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप भी सोचिए, विचार करिए और इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।